हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बड़े दिनों बाद कॉल किया भाई। तुमने हाँ, वो थोड़ा सा बिजी थी, बस कहाँ, खुदरा सा काम में बिजी थी। कौन से काम में? मतलब घर में दिवाली विवाली की नहीं, सफाई वगैरह खुदरा चल क्या रही होता है। है? खुदरा क्या बोला तुमने? थोड़ा सा बोला मैंने, खुदरा उतरा कुछ नहीं बोला। अच्छा, थोड़ा सा बोला। वो मेरे कान थोड़े ज़्यादा बच रहे हैं आज तक। मैं मुझे भी ऐसे लगा कि तुम्हारे कान थोड़े बोला नहीं, थोड़े से खुदरा सा, ज्यादा बोला बज रहे हैं। बोला खुदरा सा, बोला खुदरा सा। नहीं, थोड़ा सा ज्यादा काम में बिजी थी, दिवाली की सफाई वगैरह चल रही है ना घर में, इस चक्कर में। तो तुम लोग कहाँ सफाई करते हो दिवाली की? तुम्हारा किसने घर कहा? तो ऐसे ही इतना गंदा रहता है, मैंने देखा नहीं कितना गंदा रहता है तुम्हारा घर। मतलब हम लोग और तुम लोग में क्या मतलब? तुम्हारा घर गंदा ही रहता है सबसे ज़्यादा। किसने कहा? मैं कह रहा हूँ नहीं, तुम्हारा ऐसी घर बात गंदा नहीं ही है, रहता है, सबसे ज़्यादा गंदा रहता है तुम्हारा घर। ऐसी तो बात नहीं है। तो कैसे हुआ तो बताओ। हमारा घर साफ रहता है, हम सफाई करते हैं डेली डेली। ऐसी बात नहीं है कि हमारा घर गंदा रहता है। ओ सॉरी सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा मैं बोल कह रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? भाई सही कहा, तुम दिवाली में ही सफाई करते हो। तुम सफाई दिवाली में करते हो, ऐसे तुम सफाई करते नहीं हो। सारा दिन तुम पड़ी रहती हो, कुछ करती नहीं हो। मम्मी बेचारी घर का खाना बनाए, झाड़ू पोछा करें, ठीक है, तुम वो संभालें, तुम इतने बड़े बड़े बच्चों को कि घर की सफाई करें, ठीक है ना। तो वो बेचारी नहीं कर पाती, घर की सफाई होती नहीं है ना। तुम बस दिवाली में एक्चुअली सफाई करती मैं हो, वो भी कौन सी सफाई करती हो मुझे पता है। खिड़कियों पे हल्का सा कपड़ा मार दिया, चलो चलो हो गई सफाई। फिर मम्मी खड़ी होती हैं तुम्हारे बगल में, सर्फ लाती हैं, सर्फ का पानी लाती हैं, तुम्हें कपड़े वपड़े देती हैं, फिर तुम उसी सही से सफाई करती हो रगड़ रगड़ के। वरना ऐसी बात नहीं तुम्हारा है, बस चले तो कपड़ों पे ऐसे खिड़की पे ऐसे कपड़ा मार दिया, चलो हो गई हो गई, इतनी सारी सफाई हो गई, चलो चलो चलो। ऐसी बात नहीं है, पागल हो गया। तो कैसी बात है, एक्सप्लेन भी। सफाई तो हम डेली करते तो हैं मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? क्योंकि तुमने एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। हम एक्सप्लेन उसी इंसान को करते हैं जिससे हम प्यार ये करते हैं, पांच जिससे हजार रुपये उसके दे देना। लिए तो हम थोड़ी ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं, दूंगे। ये भी तो नहीं मैं मांग रहा हूँ ना। तो नहीं, एक्सप्लेनेशन दूँ ना पहले, उसके बाद ही तो 5 हजार दूंगी। पहले एक्सप्लेनेशन तो दूँ, अब वो एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करता है कि मुझे देने या फिर नहीं देने। अरे नहीं, तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सीरियसली? तो और मेरी चीजें पल वैसे जुड़ी तुमसे लगती हैं। बचाए इतना झूठ बोल के, ना जाने कैसे तू रिश्ता चलाए। कौन सार्केस्टिक था? तुम्हारे वे भी तो ऐसे होते हैं, समझ में नहीं आते हैं मेरी कौन कौन आवाज़ से इतनी प्यारी है, सोच रहा हूँ सिंगर विंगर हैं। बन जाऊँ। क्या मेरी बोल वॉइस रहे बहुत हो? प्यारी है, ये बात तो। हैं? मेरी वॉइस प्यारी है, वापस बोलना। मेरी बॉडी से मेरी वॉइस बिल्कुल मैच नहीं करती। कौन सी गलतफहमी के शिकार हो आप? कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो आप? इसी गलत फहमी में वैसे आराम, इतने दिन हो गए मिले नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं है। बहुत मुझे तो लगता नहीं है, कैसे लगेगा और मुझे क्या पता कैसे लगेगा। अब बताओ, बताओ कैसे लगेगा। पर ऐसा मैं क्या करूँ भाई तुम्हें लगे, ये तो तुम्हें पता होगा ना कि तुम ऐसा क्या करोगे जो मुझे लगे। तुम बता दो। अब ये मैं कैसे बता दूं? देखो दिवाली आएगी, दिवाली अभी तो तुम बिजी होगी, दिवाली की सफाई वगैरह में, ये वो काम वगैरह में ना, तो घर से तुम्हें छुट्टी मिलेगी नहीं अभी। फिर मम्मी कहेंगी कि पूरे साल तो बाहर रहती है, अब दिवाली के काम में भी तो बाहर ही रहे, कहीं नहीं जाएगी, घर पे ही रहे। और ये ले झाड़ू सही से साफ कर, ठीक है। तो अब दिवाली वाली हो जाए, उसके बाद फिर कहीं चलेंगे घूमने, मस्त जगह, कोई बढ़िया ही जगह सोच लो, वहाँ पे घूमने चलेंगे। तो मुझे घुमाने ले जाओ, मैं नहीं ले जा सकता क्या? पूछ रही हूँ। हाँ मुझे सच में घुमाने ले जाओगे? हाँ तुम मुझे सच में घुमाने ले जाओगे? इतनी बार, एक मिनट, इतनी बार पूछ रही हूँ जैसे पहले कभी लेके ही नहीं आऊंगा घुमाने। पहले तुम मुझे लेके गए घुमाने, मैं इतनी बार तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यार तुम अब घूमने वाला शब्द थोड़ा सा भूल चुके हो ना, वो भी मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा, अच्छा इसीलिए अच्छा मैंने अच्छा दो तीन बार रिपीट करके ऐसे पूछा। वरना हाँ यार, मेरा ऐसे कोई मोटिव नहीं था मैं 3 4 बार तुमसे पूछूं। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ इस बार हम सीधा जाएंगे कहाँ पे, ये अपना साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका? साउथ घूम, अफ्रीका घूमने? तुम मस्त जगह है घूमने की साउथ अफ्रीका। पागल हुए हो क्या? नहीं, फिर साउथ अफ्रीका अच्छी जगह नहीं है? अच्छी जगह होगी पर यार वहां पे नहीं जाना मुझे। क्यों नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं आना तुम घूमने? तो चलो फिर वहाँ पे चलेंगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
मुझे क्या पता क्या बोलते हैं जगह तुम चलो तुम सोच ही अच्छी सी जगह बता दो। नहीं जगह जब तुम सोच रहे हो नहीं तो आज तुम तो चलो एक दिन मैं तुम्हें देता हूँ नहीं ठीक बट है। दो नहीं बस यही है, जब भी मैं कुछ अच्छा बोलता हूँ ना बीच में टोक दोगे, अच्छा मतलब बोलो एक दिन मैं तुम्हें देता हूँ। एक दिन मतलब तुम्हें कि मतलब कुछ दिन बस तुम्हारा, मतलब तुम्हारी फेवरेट चीज़ें और तुम्हारा फेवरेट फूड, तुम्हारा फेवरेट प्लेस, मतलब ए से लेके जेड तक सब तुम्हारी चाहिए, तुम्हारी फेवरेट सारी चीज़ें। बस थोड़ा मतलब हल्का सा बजट में, मतलब जैसे मैंने बोला तुम्हारा फेवरेट प्लेस, तो अब तुम सोचोगे नहीं यार मुझे तो दुबई जाना है। फेवरेट प्लेस भी थोड़ा लिमिट में रखना है। फूड अनलिमिटेड फूड, चलो 5 स्टार 7 स्टार मैं उस दिन कर लूँगा, देखो चलो देखो 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 एडजस्ट। और बाकी तुम्हारा फेवरेट ड्रेस वगैरह जो भी, मतलब उस मतलब वैसे एक मैं इतनी पूरा दिन, डिमांडिंग गर्ल हूँ नहीं, नहीं मैं चाहता हूँ एक दिन के लिए तुम डिमांडिंग बनो। नहीं मैं चाके भी नहीं बन सकती, नहीं मैं चाहता हूँ मैं ना चाके भी नहीं बन सकती ना, बता दो रही, मैं चाके भी नहीं बन सकती तुम एक दिन डिमांडिंग। डिमांडिंग गर्ल बनो, और मतलब सुबह से लेके सुबह जितने बजे तुम उठो उस दिन जल्दी उठे ना, 7 बजे 8 बजे करीब नहीं यार उठ। अगर अगर मैं डिमांडिंग गर्ल हूँ तो ये भी सोने का भी टाइम मेरे ऊपर ही फिक्स होना चाहिए, उठने का टाइम भी मेरे ऊपर फिक्स होना जब चाहिए, जिन्हीं उस का पे तो बचेगा नहीं उसके। तुम्हारा सोने अरे का टाइम 2-3 बजे तुम सो के उठोगी, दिन तो नहीं वैसे ही अब चाहे खत्म। देखो, चाहे मैं 2 बजे सो के उठूँ, चाहे मैं 1 बजे सो के उठूँ, अब चाहे मेरा मन पड़ जाए तो मैं 11 बजे भी सो के उठ जाऊँ, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, बिकॉज वो दिन मेरा है। अगर जैसे कि 11 बजे भी मैं सो के उठ गई तो उस टाइम पर भी जो भी मैं डिमांड करूंगी वो तो मुझे लाके दोगे, तो चाहे वो मैं 2 बजे करूँ चाहे मैं शाम को 4 बजे करूँ। हाँ ठीक है, मतलब जैसे भी जब तुम उठोगी उसके बाद से सिर्फ तुम्हारा जो तुम्हें चाहिए, ठीक है जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए तुम या बोलो, जो मुझे चाहिए। तुम्हारा फेवरेट प्लेस, तुम्हारा फेवरेट फूड, ए से लेके जेड तक सारी चाहिए तुम्हारी फेवरेट। सब सोच लूंगी थोड़ी देर में, थोड़ी सब कुछ थोड़ी मैं कर लूंगी देर में, अभी। नहीं मतलब एक दिन अभी नहीं आ रहा, अभी कल, मतलब अब यार एक तुमने देखो, तुमने मुझसे अचानक ये बात पूछी, अचानक ही मेरे मन में ये, अब अचानक ही मैं सोचूंगी फिर तुम्हें अचानक ही मैसेज करके बताऊंगी, तो याद रहेगा ना फिर, इसीलिए। जैसा भी हो मैं बताऊंगा। तो नहीं जैसा भी हो क्या, मैं अभी तुरंत मैसेज करके बताऊंगी, तो 10 मिनट में, इतना इतना टाइम नहीं लगता मुझे ये सब बातें देखो बताने में। दिन में क्या हूँ, थोड़ा टाइम तो दूंगा। अरे तुम 2 साल ले लो, तुम 4 साल ले लो, तुम 5 साल ले लो, इतना भी नहीं चलेगा। नहीं तुम चाहे जितने साल ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुमने मुझसे पूछ लिया, तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें बताया, अब मैं आगे और भी चीज़ें बताऊंगी तो मुझे उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होगी, भले तुम मुझे वो चीज़ ला के दो, मेरे लिए करो चाहे ना करो, इस चीज़ की खुशी मुझे होगी कि हाँ तुमने मुझे पूछा, बस ना करना बाकी बताऊंगी फिर भी मैं। देखो फिर दिमाग में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चल रही है, पूरी जब रेडी हो जाएगी तब बताऊंगी। एक दिन ऐसे मेरा भी आना चाहिए, नहीं हाँ एक दिन सबके लिए ऐसा होना चाहिए, मतलब जितने प्यार करते हैं गलती बट हो देखो गई। देखो सबके लिए एक दिन ऐसा आना चाहिए, बट फिर बाद में एक रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए, यार उस दिन मैंने ये नहीं खाया, उस दिन मैंने वो ये तो नहीं लालच है किया, फिर। नहीं देखो उस दिन मैंने ये नहीं खाया, उस दिन मैंने ये नहीं किया, उस दिन ये किया तो इतना ज़्यादा क्यों किया, उस दिन ये किया तो ये ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक बात बोलूँ, मैं तो छोड़ो, मैं तो चलो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी तो छोड़ो, अगर भगवान भी आके कहे ना, एक दिन भी छोड़ो, भगवान आके तुमसे कहे 1 महीना, 1 महीना है तुम्हारे पास, मतलब जिंदगी तो बहुत साल बहुत लंबी है तुम्हारी, 50 60 80 100 साल, कह नहीं एक सकते हाँ 1 महीना, नहीं 1 महीना मैं तुम्हें दे रहा हूँ, भगवान आके कहे कि 1 महीने में दे रहा हूँ, और 1 महीने में तुम्हें जो चाहिए, जो मतलब भगवान जानते पैसे की तो लिमिट ही हट गई, बैरियर हट गए ना, जो चाहिए वो तुम मतलब कर सकती हो अपने लिए 1 महीने में। पता क्या होगा, तुम 1 महीने में बहुत खुश रहोगी, ये भी मिल गया वो भी मिल गया, ये मतलब इतनी खुश कि अनलिमिटेड, तुम बोलो बात 1 महीने बाद पता है क्या होगा, 1-2 दिन वही जो प्लेजर है तुम्हारे माइंड में रहा, उसके बाद तुम्हारे मन में थॉट आएंगे भगवान ने बोला था तो उस टाइम ये वाली चीज़ दिमाग में नहीं थी यार, ये तो अब तो इतनी महंगी है कि पॉसिबल भी नहीं है, तब कर लेती ये काम, तब कर लेती वो काम, तब कर लेती ये वो, तुम तब भी सेट, तुम क्या कोई भी सेटिस्फाइड तब भी नहीं रह पाया, इंसान कभी भी इंसान की किसी भी फितरत होती है, सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता, फितरत होती है ना। मुझे भी पता है कि किसी भी चीज़ में इंसान सेटिस्फाइड हो नहीं सकता, फिर इंसान एक मुझे महीने भी बाद भगवान से पता है क्या था, भगवान प्लीज मेरी मन्नत सुनो और मुझे ये दे दो, ऊपर से भगवान भी गया
कैसा इंसान, एक महीना दिया इसको, सब कुछ दिया फिर भी। मेरे थॉट प्रोसेस से अगर देखा जाए, अगर मुझे 1 महीना 2 महीना तो 10 15 दिन जितने भी मिलते हैं उससे पहले तो जितने भी मेरी फैमिली में जितने भी इशूज होंगे सारे, जितने भी मेरे रिलेटिव वगैरह रिलेटिव। अच्छा सुनो सुनो, मुझे एक काम याद है, ये करके मैं कॉल करूँगा। चलो ठीक है, बाय।